चतुर्क विचलन। तो चतुर्क विचलन का आज अपन ज्ञात करेंगे, कौन सा टॉपिक है आज चौथा टॉपिक है। देखिए ये कल की क्लास थी जो आज लेट हो गई है, आज उसको पूरा कर दिया जाएगा। अपना चतुर्क विचलन, विचलन ज्ञात करो। चतुर्क विचलन ज्ञात करो, ये अपना क्वेश्चन आएगा पेपर में लिख के, सारणी में दिए गए बारंबारताओं के द्वारा चतुर्क विचलन ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर ऐसा शब्द क्वेश्चन मिलने वाला है पेपर में, वहाँ पर लिखा रहेगा चतुर्क विचलन ज्ञात करो। तो चतुर्क विचलन के सवाल कैसे आते हैं, वैसे ही आते जैसे कि आपने पढ़ा होगा ये वर्ग अंतराल होता है, यहाँ पर बारंबारता एफ होता है, बारंबारता एफ होता है। तो सवाल कैसा होता है, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20, 20 से 30, गलत हो गया, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, इस प्रकार से सवाल आते हैं। हाँ भाई, आपको एक प्रॉब्लम हो रही होगी कि भाई सवाल तो जैसे बहुलक पढ़ाया, समांतर माध्य पढ़ाई, माध्यिका पढ़ाया, उसमें भी ऐसे सवाल थे। हाँ भाई, चतुर्क विचलन हमने यही तो बोला था कि अगर आपको चतुर्क विचलन या अन्य सवाल करना है तो आपको बहुलक, समांतर माध्य और माध्यिका तीनों आना चाहिए, तभी आप इन अगले वाले सवालों को हल कर पाओगे। तो आपको उन्हीं के कुछ कुछ रिलेटिव होते हैं और वो होते जाते हैं सॉल्व, तो इस बात का अपन को ध्यान करना है। तो यहाँ पर 5, 2, 9, 4, 7, 5, इस प्रकार से आपके क्या आएंगे, सवाल आएंगे। अगर सवाल ऐसा आ गया तो यहाँ पर लिखा है चतुर्क विचलन, अगर यहाँ पर बहुलक लिखा होता तो बहुलक इससे ज्ञात कर लेते, समांतर माध्य लिखा हो तो समांतर माध्य ज्ञात कर लेते, बहुल और माध्य का लिखा होता तो माध्य, यहाँ पर लिखा है चतुर्क विचलन। चतुर्क विचलन अगर आपको सूत्र पता होगा तो आप चतुर्क विचलन ज्ञात कर लो। चतुर्क विचलन का सूत्र होता है चतुर्क विचलन बराबर Q3 माइनस Q1/2। ये क्या है, सूत्र है भैया। Q3 यहाँ से कैसे निकालेंगे, Q1 कैसे निकालेंगे, फिर हम कैसे यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। अरे भैया, इसके अभी हल ट्रिक बताते हैं, वो आपके Q3 और Q1 निकल के आएगा। हाँ भैया, ये लग रहा होगा लेकिन Q है ये, ठीक है, इतना ध्यान करें। ठीक है, आपको अगर माध्य का आती हो तो ये सवाल आपको सॉल्व कर लोगे। अगर देखो क्यू, अब देखो इनके अंतर्गत भी सूत्र होते हैं, जैसे हमने आपको समांतर माध्य में बताया अगर डी बराबर सूत्र होता है, ऐसे Q3 बराबर भी सूत्र होता है। Q3 बराबर सूत्र होता है देखो L+4, 3N/4 माइनस C/F/H। अगर आपको इसमें लग रहा होगा ये तो माध्य का जैसा ही है, तो हाँ भाई माध्य का ही जैसा है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, सिर्फ इतना हो गया है कि यहाँ पर 3N/4 आ गया है, 3N/4। अब Q1 का भी देख लो, आपको समझ में आया, L+N/4 माइनस C/F/H। ये क्या है सवाल, अगर आप Q3 निकाल लोगे, Q1 निकाल लोगे, यहाँ पर रखोगे, आंसर आपका मिल जाएगा। तो अपन Q3 ज्ञात करेंगे या Q1, तो अपन पहले सबसे पहले Q1 ज्ञात करेंगे, फिर Q3 ज्ञात करेंगे, फिर यहाँ पर रखेंगे और अपना आंसर चतुर्क विचलन का गया।
ये क्यू थ्री का सूत्र है, ये क्यू वन का सूत्र है, चतुर्क विचलन का सूत्र ए है। किसका है? चतुर्क विचलन का सूत्र ए है। तो आपको सबसे पहले क्या है, इसमें देखो भाई सूत्र में सी दिखा है, सी रख रहा है, तो आपको समझ लेना कि संचय आवृत्ति बनानी पड़ेगी। संचय आवृत्ति बनानी पड़ेगी, तो संचय आवृत्ति कैसे बनेगी? हाँ, सी एफ ज्ञात करना पड़ेगा। सी एफ कैसे ज्ञात होता है हम बताते हैं आपको, पहले ही बता दे रहे हैं सी एफ कैसे ज्ञात होता है। पाँच के पाँच लिख दो, पाँच में अगर दो जोड़ दो सात हो जाएंगे, ऐसे 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 निकलता है, तो कितने हो गए? सात, सात को नौ में जोड़ दो कितने हो जाएंगे? सोलह। सोलह को चार में जोड़ देंगे बीस, बीस को सात में, बीस को सात में जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे? सत्ताईस। और सत्ताईस को पाँच में जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे? बत्तीस। मतलब बारंभता का एफ का मान, एन का मान कितना आ गया? टोटल, टोटल मान कितना आ गया? बत्तीस। एन बराबर बत्तीस। भैया आपको इसमें एन दिख रहा है? हाँ भैया एन दिख रहा है, एन दिख रहा है, तो आपको एन की जगह रख दो मान। तो यहाँ पर देखो एक सूत्र और लिखें अपन, थ्री एन बटे फोर। थोड़ा क्या है, बोर्ड का अभाव है, तो आप थोड़ा देखते हैं विशेष कौर से देखते हैं, और आप कॉपी पे लिखते भी जाएं, पहले समझ लो। और हम जब कहाँ रोक देंगे तो आप अपना वीडियो रोक कर आप उस चीज़ को लिख लिया करें, ठीक है? तो एन, अब यहाँ पर क्या है, चलो पहले अब थ्री एन निकालें, थ्री एन बटे फोर निकालेंगे पहले। तो आप यहाँ पर क्या है, थ्री को हटा देंगे, पहले अपने क्यू वन ज्ञात करना है। क्यू वन ज्ञात करना है तो यहाँ पर अड़तीस, एन का मान कितना है? बत्तीस, तो यहाँ पर बत्तीस रख देंगे, बत्तीस बटे फोर भाग दे दो, चार से भाग देंगे कितनी बार जाएगा करो? आठ बार जाएगा क्या? जरूर जाएगा। अब देखो इस बारंबारता में आठ कहाँ मिल रहा है? सात के पाँच के अंतर्गत आती नहीं, सात के अंतर्गत, सोलह के अंतर की गिनती, सोलह की गिनती में तो आठ आ जाते हैं, बताइए। तो जो उनके अंतर्गत मिल जाते हैं हमारा, देखो भाई क्या है, अपन समान माध्य का लगाते थे जब क्या है एन बटे टू था, लेकिन अपन क्या है चतुर्क विचलन ज्ञात कर रहे, इसलिए एन बटे फोर हो गया। इस बात की डाउट में ना रहें कि भैया पहले तो पढ़ा रहे थे एन बटे टू, अब एन बटे फोर पढ़ाने लगे, तो क्या भैया को आते नहीं? भैया को आते हैं, लेकिन तुम्हें भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या अपन चतुर्क विचलन ज्ञात कर लिए, इसलिए क्या एन बटे फोर हो गया। तो इसलिए एन का मान तो अपन को पता है यहाँ से निकल जाए, टोटल एन का मान रख दिया, चार से भाग दे दिया, तो बत्तीस में तो कितना आ गया? आठ आ गया। तो अपन को जो जो यहाँ से आंसर निकलता है उसे क्या संचय बारंबारता में देखते हैं। संचय बारंबारता में जहाँ मिल जाती है हमारी संख्या, जोन संख्या के अंतर्गत, हम उसे अंडरराउंड कर लेते हैं। तो हमें सोलह के अंतर्गत मिल रही है, कहाँ मिल रही है? सोलह के अंतर्गत, भैया सोलह के अंतर्गत मिल गई। हाँ सोलह की गिनती, सोलह की गिनती में आठ आते हैं, सात की गिनती में आते हैं क्या? बीस की में आते, लेकिन अपन को सबसे पहले कौन में मिली, ये बात ध्यान रखना। बीस के में या सत्ताईस के, बत्तीस के में भी याद, लेकिन अपन को सबसे पहले किस में मिली, ये बात ध्यान रखना चाहिए। तो हमें सबसे पहले कहाँ मिली? सोलह के अंतर्गत मिली, इसलिए हमने सोलह को अंडर। हाँ आपको बताया था इसमें सी दिया है, एच दिया है, एफ दिया है, एल दिया है, एन बट्टे फोर का मान तो अपन को निकल गया है आठ आ गया। सी का मान कहाँ? भैया अपन को पता है जोन संख्या मिल जाती है उसके जस्ट ऊपर वाली संख्या को अपन क्या सी का मान मानते हैं, सी का मान मानते हैं, और जोन संख्या मिलती है उसके जस्ट सामने वाली संख्या हो गया एफ का मान मानते हैं। आपको पता है इस साइड की संख्या लो कहते हैं, इस साइड को हाई कहते हैं, मतलब निम्नतम संख्या एवं उच्चतम संख्या। तो निम्नतम संख्या में देखते हैं एल का मान अंडर रूट कितने हैं? दस है, तो एल का मान भी। भैया हमें तो सबरे मान मिल गए, अब क्या? भैया एच का तो मिला ही नहीं, एच का भी मिल जाएगा, एच का क्या जितने का अंतर होगा, हमको सब बार बार आपको बताते जा रहे हैं कि जितने भी सवाल पढ़ाए हैं, तो जितने में भी एन एच का मान कहाँ से निकलता है, जितने का अंतर होता है सभी से, यहाँ पर भी पाँच का है, पाँच दस के बीच में पाँच ही का है, दस से पंद्रह के बीच में भी पाँच ही का, तो एच का मान ही पाँच का। तो हम क्या है यहाँ पर मान लिख लें? हाँ मान डायरेक्ट लिख देंगे, लिख देंगे कि नहीं? जरूर लिखेंगे,
एल का मान कितना है? 10 है, ठीक है। एन बटे फोर का मान कितना है? 4 है, 8 सॉरी। सी का मान कितना है? 7 है। एफ का मान कितना है भैया? 9 है गुणे 5। एच का मान जितने का अंतर है उसे हम एच का मान मानते हैं। सॉल्व कर दो, सॉल्व कर देंगे। 10 प्लस कितने? 8 में 7 चले, 1 बचा, गुणा कर देंगे। कितना है? 9। इसका इसमें गुणा कर दो, कितने आ जाएंगे? 5 ही आ जाएंगे। हम बहुत छोटे से ले जा रहे हैं, बिल्कुल छोटी कर 9 से भाग दे दो भैया, 5 में तो जाता नहीं, तो अपने भाग नष्ट में बिंदी तो रख सकते हैं, रख सकते हैं कि नहीं? तो कितने हो जाएंगे? 50 हो जाएंगे, बिंदी रख जाएगी। कितने? 50 हो गए। 9 पन्ना 45 बचे कितने? 5, तो फिर हो जाएंगे 50, तो कितने? 55। कितना आ जाएगा आंसर? 0.55, मतलब 0.55। तो यहाँ पर जोड़ दो कितने में? 10 में जोड़ दो भैया, 10 में, तो आपको आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10.55। ये आ गया क्या? Q1 का आंसर आ गया। काहे का? Q1 का आंसर आ गया। अभी Q3 ज्ञात करेंगे, फिर आपका चतुर्क विचलन होगा भैया ज्ञात। क्या होगा? चतुर्क विचलन ज्ञात होगा। अभी तो क्या Q1 का आंसर है, तो इसे आप लिख लेंगे। हम सिर्फ इसका मान यहाँ पर लिख देंगे Q1 का, फिर अपन को Q3 भी ज्ञात करना है, तो उसके लिए बोर्ड खाली करना पड़ेगा कि नहीं, तो इसको आप लिख लो। ये क्या है? एन बटे फोर का मान यहाँ से, ठीक है भाई। तो हम इसको मिटाएंगे, आप लिख लो, इस वीडियो रोक कर आप लिख सकते हो, ठीक है। कितना है Q1 का आंसर? 10.55, ठीक है। अब हमें Q3 ज्ञात करना है। यहाँ Q3 का n बटे 4 तो भैया यहाँ पर देखो लिख लेंगे 3n बटे 4। एन का मान कितना है भैया? पता ही है कि यहाँ पर एन का मान पहले से दिया है 32 है, तो यहाँ पर लिखें 3 × 32/4। भैया इसमें इसमें भाग दे देंगे, 8 आ जाएगा। 8 का गुणा कर देंगे 3 में, 8 × 16 38 24। 8 × 3 = 24, मतलब कितना आंसर निकला है? 24 निकला है। 3n/4 का आंसर है 24। तो 24 कौन सी संख्या मिल रहा है? देखेंगे संचयी आवृत्ति में, देखेंगे भैया 27 में मिल रहे हैं, मिल रहा है कि नहीं? 20 की गिनती में 27 आते हैं, 24 आते हैं क्या? नहीं आते, लेकिन 27 की गिनती में कितने आ जाते हैं? 24 आ जाते हैं। तो आपको यहाँ पर मिल गया, तो इसने इसे अंडर राउंड कर लिया। इसके जस्ट ऊपर की संख्या, हमने आपको बताया है कि जौन संख्या में हमारी संख्या मिल जाती है, हम उसके जस्ट ऊपर वाली संख्याओं क्या कहते हैं? सी का मान बोलते हैं। भैया इसमें सी का मान चाहिए, लेकिन अपन इसके जस्ट सामने वाली संख्याओं क्या कहते हैं? एफ का मान कहते हैं। तो एफ का मान कितना है? 7 है। एफ का एल का मान कहाँ चाहिए? एल का मान आपको पता है, इस साइड की निम्न संख्या कहते हैं, इस साइड की उच्चतम है, लो संख्या है, हाई संख्या। तो यहाँ पर देखो लो वाली संख्या में अंडर राउंड Q3 के लिए कहा हुआ है 20, तो इसे कहते हैं एल का मान। अब देखो इसके अलावा आपको चाहिए एच का मान। हाँ पता है भैया, जितने का वर्ग अंतराल में अंतर होता है उसे हम क्या कहते हैं? एच का मान। तो एच के इसमें सभी में दिख रहा है 5 के अंदर, तो एच का मान कितना? 5। तो अपन डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे, तो इसे हम मिटा देंगे, इसे लिख लो, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व करें, दे एल का मान कितना है? 20, क्योंकि एल का मान कितना है? 20 प्लस 3n/4 का आंसर कितना है? 24 माइनस सी का मान कितना है? 20। एफ का मान कितना है? 7।
h का मान कितना है 5, जितने का अंतर है उसे हम h का मान मानते हैं। 20 प्लस सॉल्व कर दो कितने बचे, 4 गुणे 5 बटे 7, यहाँ से गुणा हो जाए कितना हो जाएंगे, 5 को 20 बटे 7, तो इसमें इसमें भाग दे दो, 7 दूनी 7 21 ज़्यादा हो रहा है तो 2 बार चलिए बचे कितने, 6 भाग नहीं जा रहा, भागना अष्टम बिंदु कितने हो जाएंगे 60। सात 7 8 56 कितनी बची, 4 बची तो कितने हो जाएंगे 40, कितने बार चला जाएगा, 7 5 35 तो कितने 2.85, मतलब 2.85 आ गया, तो इसमें जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 22.85। ये क्या है, Q3 ज्ञात हो गया, क्या निकल गया, Q3 निकल आया आपका। यहाँ पर Q1 का आंसर ये लिखा, Q3 का ये निकल गया, तो आपको चतुर्भुज विचलन में किस किस के मान चाहिए, Q3 के चाहिए, Q1 के चाहिए, बटे में कितने हैं 2, तो आप उससे भाग दो दोगे आपका आंसर निकल गया। तो आप इतना लिख लेंगे, फिर हम आपको चतुर्भुज विचलन ज्ञात करके दिखा रहे हैं, तो आप वीडियो रोक कर आप लिख सकते हो, तो हम इसे मिटाएंगे। क्या है, थोड़ी वीडियो में प्रॉब्लम हुई थी, फोन आने की वजह से ये समस्या उत्पन्न हुई। हम आपको Q3 Q1 का मान ज्ञात करके बता रहे हैं, ठीक है। हाँ, Q3 का आंसर कितना है 22.85, तो हमारा Q3 है तो अपन लिख लें 22.85 माइनस Q1 Q1 का आंसर कितना है 10.55, तो 10.55 यहाँ फॉक्स वजह से प्रॉब्लम हो रही, तुम थोड़ा नीचे लिखेंगे 22.85 माइनस 10.55 बटे 2, चल नहीं जा रहा ये मार्कर, कुछ ब्लैक यूज करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब इसको घटा देंगे कि नहीं, कितने बचेंगे, 5 में से 5 चले गए 0, 8 में से 5 चलिए कितने बचे 3, अब कितने दशमलव के बाद दशमलव लगा दिया, 2 में से 0 चलेगा 2 बचे, 2 में से 1 चलेगा 1 बचे, तो 12.30 2 से भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 6.15, कितना आ जाएगा 6.15, तो आपका आंसर चतुर्भुज विचलन कितना निकला है, इसे मिटा दूं, आंसर कितना आ गया 6.15। आपको कुछ नहीं करना, आपको पहले सबसे पहले Q1 याद करिए, फिर Q3 याद करिए, फिर यहाँ पर मान रख दीजिए चतुर्भुज विचलन। आपको जब तक सूत्र याद नहीं होंगे आपके किसी भी प्रकार से आप ज्ञात नहीं कैसे, इस बात का ध्यान रखें। तो आपको सबसे पहले सूत्र याद करना पड़ेगा, तो आपको चतुर्भुज विचलन का सूत्र आना चाहिए, चतुर्भुज विचलन के बाद आपको Q3 का सूत्र आना चाहिए, Q1 का सूत्र आना चाहिए, तब आप यहाँ से ज्ञात कर पाओगे कि चतुर्भुज विचलन कैसे ज्ञात किया जाता है। यहाँ पर 15 नंबर की बात है भैया, 15 नंबर की, तो वहाँ पर सिर्फ शब्द लिख देगा चतुर्भुज विचलन ज्ञात करो, भैया चतुर्भुज विचलन आपको तभी ज्ञात होगा कि ये सूत्र पता होगा, जब ये पता होगा तो तभी तो आप निकाल पाओगे Q3 और Q1।
क्या कैसे निकाल रहे हो, क्यू थ्री और क्यू वन कैसे निकालते हैं, आपको माध्यिका से रिलेटिव होता है, वहाँ पर सिर्फ इतना होता है एन बटे टू होता है, क्या है माध्यिका में, यहाँ पर क्या होता है एन बटे फोर, यहाँ पर क्या है चतुर्भुज में एन बटे फोर। अगर क्यू थ्री ज्ञात करते हैं तो अपन थ्री लगा देते हैं, कहाँ लगा देते हैं थ्री एन बटे फोर, और जब क्यू वन ज्ञात करते हैं तो एन बटे फोर लगाते हैं, बस कैसा है माध्यिका की तरह है। तो आप दोनों के मान निकाल लीजिए, दोनों के मान यहाँ पर रख दीजिए और आप दो से भाग दे दीजिए, बस आपका आंसर चतुर्क विचलन ज्ञात हो जाता है। कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप थोड़ी सी बुद्धि खर्च करो और आपका आंसर मिल जाएगा। हम आपके साथ बने रहेंगे बराबर, जो भी डाउट हो आप कमेंट में लिख सकते हो, आप डायरेक्ट नंबर आपको देते हैं नंबर पर फ़ोन करके पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर, तो हम आपको इस प्रकार की जानकारी और भी विस्तार से बता सकते हैं। तो आपके हमने देखा है आपका माध्य का समांतर माध्य बहुलक हो गया चतुर्क विचलन, उसके जस्ट भी नीचे है एक टॉपिक चतुर्क विचलन गुणांक। अगर आपको चतुर्क विचलन गुणांक तभी याद पड़ेगा जब चतुर्क विचलन आपको आता हो, अगर बस शब्द यहाँ पर चेंज कर दे चतुर्क विचलन गुणांक, यहाँ पर शब्द लगा दे और इनके दोनों के बीच में लगा दे गुणांक, हाँ भाई गुणांक लगा दे, तब आपका सूत्र चेंज हो जाएगा। सूत्र क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, वो हम आपको अभी हल, लेकिन आपको क्या होगा कि जब तक आप चतुर्क विचलन ज्ञात नहीं कर पाओगे तो चतुर्क विचलन गुणांक तो वैसे ही ज्ञात नहीं कर पाओ, तो आपको एक चीज़ आना चाहिए वहाँ पर, आप देखो आप क्या करोगे क्यू वन क्यू थ्री क्यू वन ज्ञात कर लोगे, लेकिन चतुर्क विचलन ज्ञात का आंसर नहीं दोगे, आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने जो शब्द पूछा है उसका आंसर चाहिए किसके एग्जाम वालों को, तो आप क्यू थ्री क्यू वन ज्ञात करके नहीं रह जाना, आपको चतुर्क विचलन तक ही ज्ञात करना है। अगर वो चतुर्क विचलन गुणांक पूछे तो चतुर्क विचलन गुणांक अभी हर एक मिनट में बता रहे हैं, ठीक है। तो आप ये तो आप लिख ही लोगे, वीडियो रोक कर हम इसे मिटाते हैं, अब देखो थोड़ा ही रिलेटिव है, बिल्कुल यही है, जब यहाँ पर चतुर्क विचलन लिखा है तो यहाँ पर सिर्फ कितना क्या जुड़ गया शब्द चतुर्क विचलन गुणांक, सिर्फ गुणांक शब्द जुड़ गया, तो गुणांक का सूत्र क्या होता है वो भी देखे ले रहे, गुणांक का सूत्र होता है भैया क्यू थ्री माइनस क्यू वन, भाई इतना तो आपने चतुर्क विचलन में ही पढ़ लिया, यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाता है क्यू थ्री प्लस क्यू वन, बस यही संख्या नीचे हो जाती, सिर्फ नीचे वाली संख्या क्या में हो जाती प्लस में हो जाती, ये मान जो है दो लिखे यहाँ को हटाइए और क्या लिख दीजिए यहाँ पर 22.85 प्लस 10.55 है कि नहीं, तो यहाँ पर अपन ने क्या किया यहाँ पर 12.30 से आंसर निकला अपना 6.55, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पर घट के कितने आए घटकर कितने आए 12.30 आए, तो यहाँ पर क्या करना है भैया इनको जोड़ना है इनको घटाना है, तो घटाने से जे आंसर निकला, जोड़ लेंगे पाँच पाँच कितने होते हैं जीरो, मतलब 10 होते 10 का एक बचा, फिर क्या है 5 और 8 कितने हो जाते हैं 5 और 8 कितने हो जाते हैं 13 हो जाते, एक ये जोड़ दो कितने हो जाएंगे 14 हासिल लगा एक, 0.00 के बाद दशमलव लगा दें 0 और 2 कितने हो जाएंगे एक हासिल हो जाएगी, तो कितने 3 हो जाएंगे, तो 1 और 2 कितने हो जाए 33.40 से भाग दे दीजिए 33.40 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। कितने 12.30 बटे 33.40 33.40 में 12.30 में भाग दे दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, 33.40 से भाग दे देंगे यहाँ पर निकलेगा 0.36, यहाँ पर क्या निकलेगा आंसर 0.36। आप क्या करिए आपको कोई दिक्कत है यहाँ काटने में तो आप मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आप इसको सीख लेना क्योंकि अपने हाथों के द्वारा,
क्योंकि यहाँ पर ऐसी बड़ी कैलकुलेशन आने वाली हैं और ज़्यादा, तो यहाँ पर थोड़ी अपनी प्रैक्टिस ज़्यादा करें। ठीक है, थैंक यू, हम आपके साथ लगातार बनी रहेंगे। आज कौन सा है, चतुर्क विचलन और चतुर्क विचलन गुणांक, क्या दोनों ज्ञात कर कौन से हैं, चतुर्क विचलन गुणांक, ये क्या है, गुणांक वाला सूत्र है, चतुर्क विचलन गुणांक का सूत्र है ये, क्यू थ्री माइनस क्यू वन बटे क्यू थ्री प्लस क्यू वन, ये क्या है, चतुर्क विचलन गुणांक का सूत्र है। चतुर्क विचलन अगर आपको ज्ञात आएगा तभी आप चतुर्क विचलन गुणांक ज्ञात कर पाओगे। तो यहाँ पर सिर्फ कितना चेंजिंग हो जाती है, यहाँ पर माइनस की जगह प्लस लग जाती है और यहाँ पर दो की जगह क्यू थ्री प्लस क्यू वन आ जाते हैं, तो आपका चतुर्क विचलन गुणांक ज्ञात हो जाता है। तो इस प्रकार आप तीनों चीज़ें दो, तो आज के कितने टॉपिक हो गए अपने, कुल पांच टॉपिक हो गए, माध्यिका, समांतर बहुलक, चतुर्क विचलन गुणांक। अब आप कल और भी टॉपिक आगे करेंगे। ठीक है भाई।